नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ आकांक्षा दुबे के सुसाइड या मर्डर अभी तक ले पता तो नहीं चला, लेकिन उनके मदर्स को माने तो अभी तक ले बोली है कि ये सुसाइड नहीं है, फुल टू फुल प्लान मर्डर है। और मर्डर करने वालों के नाम दर्ज है दो लोगों का, समर सिंह, धर्मेंद्र सिंह शायद नाम है, संजय सिंह, सॉरी समर सिंह और संजय सिंह, और ये दोनों अभी तक फरार हैं। घर में ताला लॉक हो गया है और प्रशासन को माने तो टीम गठित करके और समर सिंह के खोज में पुलिस लग गई है। मतलब साफ साफ है कि समर सिंह अभी तक फरार है, और जब फरार लोग होते हैं मीडिया के सामने अपना बयान नहीं दर्ज करते हैं, मान के चले तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों को काम तो जरूरी है। भले इन लोग आकर कुछ भी बोले, लेकिन समर सिंह अभी तक ले फरार क्यों है? क्या इसमें हाथ 100% में 100% है? क्या समर सिंह जान चुके हैं कि हम फंसने वाले हैं और इसीलिए डबल ढोलकी समर सिंह गायब हैं? कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा जो एनी टाइम लाइव आकर बनारस को धमकी देता था, आइए बनारस में, आइए प्रयागराज में, आइए काशी में, लेकिन आज ना काशी में वो नजर आ रहा है, ना वो बनारस में है, और ना मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से छोड़कर कहीं फरार हो गया है। कुछ मीडिया अनुसार देखा गया तो नेपाल और बैंकों के नाम ले रहे हैं, कहीं यहाँ तो नहीं छिप गया, कहीं यहाँ तो भागने का प्लान तो नहीं है? तो इस तरह का मीडिया पर मैंने देखा कुछ लोगों को वीडियो बना रहे हैं। हालांकि देखते हैं प्रशासन के हाथ तो ऐसे लंबे होते हैं, खींचकर कब लेकर आएंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन और आज और कल वेट कर लीजिए, उसके बाद प्रशासन अपने फिर से दोहरा नीति से कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द फिर समर सिंह गिरफ्तार होगा। ऐसा नहीं है कि समर सिंह एनी टाइम सोच रहा है कि मैं कितना दिन तक छिपा रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और जब तक से प्रशासन समर सिंह से पूछताछ नहीं कर लेती, तब तक से ओरिजिनल मुद्दा मालूम कैसे चलेगा? हालांकि प्रशासन को भी पता है कि समर सिंह के कुछ ना कुछ इसमें हाथ है। उनकी मदर्स के माने तो समर सिंह, संजय सिंह दो ही उनकी पुत्री को हत्या करवाए हैं क्योंकि धमकी मिला था। खैर, देखते हैं कि समर सिंह कब गिरफ्तार होता है और कब सामने आता है, और आने के बाद उसका बयान क्या होता है, वो सबसे बड़ा इस केस पर बल बढ़ाएगा। खैर चलते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।